साहा पिछले 4 साल से विस्थापन की राह तक रहे हैं। न तो पुनर्वास किया जा रहा है, न ही गांव में सुविधाएं मिल रही हैं। नतीजतन ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यह पीड़ा मंगलवार को नर्मदा तट पर बसे ग्राम पथराड़ खुर्द और केली भट्टियान के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में सुनाई। डिप्टी कलेक्टर को समस्या बताते हुए पथराड़ के ग्रामीणों ने कहा कि उनका गांव जिले की महेश्वर तहसील में आता है। इसी तहसील के मंडलेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी पर महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बनने से नर्मदा घाटी के लगभग 60 गाँव डूब प्रभावित क्षेत्र में है। पथराड़ खुर्द भी उन्हीं में से एक है। विस्थापन नहीं होने से बारिश के मौसम में यह गांव हर साल टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों का लाखों का नुकसान होता है। मुआवजे के नाम पर सरकार 2-5 हजार रुपए थमा देती है। पिछले साल आई बाढ़ के निशान अब तक नहीं गए। घर गृहस्थी का सामान बह गया, तिरपाल के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरह भट्टियान के ग्रामीणों ने भी पुनर्वास की मांग करते हुए उचित मुआवजा एवं प्लाट की मांग की है। सर, हम ये महेश्वर जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्राम है पुराना पथराड़। जो 25 वर्षों से परियोजना बनी है और 25 वर्षों से जो पथराड़ गांव है वो बसा हुआ है इनका। इन्होंने आज तक 25 वर्षों में कोई पुनर्वसाहट नहीं की। मुआवजे के नाम पर इन्होंने आधे गांव को मुआवजा दिया, आधा गांव बाकी है। पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी तो पूरा गांव ध्वस्त हो गया, कोई मकान नहीं बचा और पूरी समाप्त हो गए। वहां पर करीब 400 बच्चे हैं जो प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। उनका नेटवर्क पुराने गांव से नए से समाप्त हो जाता है और जो प्रसूति महिलाएं अगर उनको अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसी होती है तो वो भी बाहर जाने का आने जाने का रास्ता कुछ नहीं देता और ये सब डूब में आता है परियोजना के कारण। और पुनर्वसाहट का करते करते 25 वर्ष हो गए, आज तक पुनर्वसाहट के नाम पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस गांव की। ना वहां पर शासकीय सुविधाओं का कोई लाभ मिल रहा है, जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और पिछली बार बाढ़ में जब सब बह गए तब पल्लियाँ पाल तिरपाल वगैरह डाल के अब तक भी दे रहे हैं। अब पिछले वर्ष से डूबे, अब बारिश फिर आ गई और अब अगर वो स्थिति बनती है तो लोग कहाँ जाएंगे। इस बात को लेकर के हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे सार्वजनिक रूप से। क्या मांग करी आप? सर, हमने पुनर्वास की मांग करी, या तो हमको वहाँ से हटाया जाए, पुनर्वास दिया जाए। हमको पुनर्वास अनुदान कुछ नहीं, आधे गाँव वालों को दिया, आधा बाकी है। ना कोई अनुदान दिया, ना प्लाट दिया है। परेशानी ये बाढ़ की है हमारी, अभी तक विस्थापन नहीं हुआ उसका। पुनर्वास करना चाहते हैं, पुनर्वास जल्दी हो जाए तो ठीक है, बाढ़ से बच जाएंगे। बहुत परेशानी होती है, नहीं शासन से कोई सुविधा मिलती है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए या तो पुनर्वास जल्दी हो जाए तो ठीक है। कितने साल हो गए आपको? 4-5 साल हो गए ना। बार बार डूबी जाए, हमारा चोरा चोरी बेघर हुई जाए, सब पूरा कीचड़ हुई गया, गाँव सब उन गया, खाना पीना का कोई नहीं रहो, बच्चा ना का इधर उधर से मांग मांग के खिलाया, नई समस्या हमारी कोई हल करता नहीं, हमको पुनर्वास देता। हमको तो पुनर्वास चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले पुनर्वास। परेशान हो रहा हमको 4 साल हो गए परेशान होते होते। समस्या हमारी अच्छे है कि बार बार बाढ़ आई रही, लगातार 12 साल से हम डूबी रहे। 2012 का डूबी रहा हम, 2012 में आई, 2013 में आई, 2020 में आई, 2023 में आई, 4 बार हमका डूबता हुई। हाँ ना भैया, 5वां बार हम आया तो कहीं भी हमका एक धड़ लगा हुआ थी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी पुनर्वास। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। बाढ़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।